हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पे आपसे मैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज शेयर करने वाली हूँ। ये जो है, यहाँ पे मेरा घर बनना स्टार्ट हो गया था और ये दिसंबर के टाइम की वीडियोस हैं। मैंने धीरे धीरे करके सारी क्लिप्स आप लोगों के लिए रख रखी थी। जब से हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था तब की सारी क्लिप्स मैंने लेके रखी थी और सोच रखा था कि जब हमारा घर कम्प्लीट बन जाएगा तब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए, यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया था। ये वाटर टैंक बन चुका था और नीवें खुद चुकी थी यहाँ पर। और मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी आप सभी से कि मैं काफ़ी टाइम बाद आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन था कि सरप्राइज़ दुगना हो जाएगा जब घर जो है पूरा बन के आपके सामने आएगा। तब जब मैं आपसे शेयर करूँगी ना ये खुशी, तो आपकी खुशी और मेरी खुशी, सभी की खुशी दुगनी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है नींवें भर चुकी थी और काम भी स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी मतलब जद्दोजहद के बाद जो है नक्शा तैयार हुआ। दो तीन बार चेंजेस हुए कुछ, तब जाके नक्शा तैयार हुआ। और बताना चाहूँगी, ये जो घर है ये पापा जी ने हमारे लिए बनवाया है, मतलब डॉक्टर साहब के पापा जी ने हमको बनवा के दिया है। और मैं उनकी थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने डॉक्टर साहब के बाद विद इन 1 ईयर ही ये घर हमें बनवा के तैयार करवा के दे दिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था उनका भी, और काफ़ी टाइम लगा कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे प्लॉट को लेना, फिर मतलब पूरी एक टीम है कारीगर की, लेबर लोगों की, उनसे कांटेक्ट करना और फिर घर बनवाना। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फिर भी विद इन 1 ईयर ये सब कुछ कर पाना या हो पाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब पॉसिबल हो पाया डॉक्टर साहब की ब्लेसिंग्स से। वो भले ही फिजिकली हमारे साथ नहीं है, बट वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हैं। मैं उनकी एनर्जी को हमेशा फील करती हूँ अपने साथ। तो ये यहाँ पे आप देखिए, पूरा जब घर बन के आप तैयार हो जाएगा ना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके का नक्शा है घर का। और काफ़ी अच्छा घर बन के रेडी हुआ है, इतनी मैंने खुद ने भी उम्मीद नहीं की थी। ये जो घर बना है ये हमारा ड्रीम हाउस, आप इसे कह सकते हैं, डॉक्टर साहब का, मेरा और अथक का ड्रीम हाउस है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस खुशी को किस तरीके से बयान करूं। तो और मैं, जो सारी टीम थी हमारी घर बनाने के लिए, जो अंकल थे और उनकी पूरी टीम थी, उनकी भी शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने बड़े ही मन से हमारा घर बना के दिया और एक एक चीज़ मेरे पसंद की उन्होंने, और हर एक चीज़, हर एक बात मेरी मानी। चाहे मैंने किसी चीज़ को बनने के बाद भी कोई चेंजेस करवाए हो, चाहे कुछ भी, तो मैं उन अंकल की थैंकफुल रहूँगी, पापा जी की तो थैंकफुल रहूँगी ही रहूँगी, और उन अंकल की भी थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने मुझे बेटी मानकर सारा काम किया, मेरे घर में करवाया और मेरे मन मुताबिक घर बना के मुझे दिया। तो ये देखिए, ये बेडरूम है, स्ट्रक्चर रेडी हो गया था बहुत जल्दी, घर का स्ट्रक्चर रेडी हुआ। दिसंबर में भूमि पूजन हुआ, 9 दिसंबर को, मुझे सारी डेट्स याद हैं। और उसके बाद 17 दिसंबर से घर का काम स्टार्ट हुआ और विद इन 1 मंथ ही उन्होंने, 1 मंथ के अंदर अंदर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जनवरी में हमारा पूरा घर रेडी था। उसके बाद फिनिशिंग के काम में तो देखिए ये टाइम लगता ही है, फिटिंग है, प्लम्बर के काम है, लाइट फिटिंग है, प्लास्टर है और पीओपी वगैरह, जो भी जितने भी काम होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये मान के चल रही थी कि लगभग 6 महीने लगेंगे घर बनने में, लेकिन उन्होंने 3 से 3.5 महीने में ही घर बना के रेडी कर दिया और आज हम हमारे घर में रहना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो ये जो सारी क्लिप्स हैं मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखी थी आप सभी लोगों के लिए, मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा था, शेयर करना चाह रही थी, बट मैंने सोचा जब पूरा अच्छे से घर बन जाएगा ना तब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी।
और साथ ही साथ मैं आप सभी की भी शुक्रगुजार रहूँगी कि आप लोगों ने लगातार मेरे लिए दुआएं की, दुआएं मांगी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सभी चीज़ें अपनों के प्यार से, प्यार करने वालों के सपोर्ट से, दुआओं से ही हो पाती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लमसम घर का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था और उसके बाद टाइल्स लगना है या बाकी जितने भी काम होते हैं ना, वो धीरे 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 होते गए। और मुझे आज भी एक एक दिन याद है, डे वाइज मुझे सब कुछ याद है, मेरी भागा दौड़ी याद है, मेरे घर वालों की भागा दौड़ी याद है, पापा जी का सपोर्ट याद है कि वो वहाँ से बैठे, उस घर से बैठे मुझे इंस्ट्रक्ट करते थे कि ऐसे ये काम ऐसे करवाना है, ये काम वैसे करवाना है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे याद हैं, सब कुछ याद है। ये घर कैसे बना है, कितने दिल से बना है, ये सब कुछ मुझे याद है। और मैं बड़ी ही इमोशनल होती हूँ कि ये सब कुछ मेरे ख्याल से तो डॉक्टर साहब साथ थे मेरे, तभी संभव हो पाया, अदरवाइज संभव नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे हर पल, उसी वजह से ये जो घर डिज़ाइन किया, हम लोगों ने सबने सोच समझ के ही डिज़ाइन किया था, मम्मी ने, मेरे पापा जी ने, मेरे ससुर जी ने मतलब, और मैंने, हम सब ने सोच के डिज़ाइन किया, तब जाके ये घर बना। 2050 का ये प्लॉट है और उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि हम सारी चीज़ें निकाल पाए, जैसे बेडरूम भी अच्छे से निकले और अथक स्टडी रूम भी होना चाहिए, किचन भी बड़ा होना चाहिए, लॉबी भी निकल जाए, ड्राइंग रूम भी निकले और सबसे बड़ी बात गाड़ी के लिए पोर्च निकल जाए। तो पोर्च भी काफ़ी अच्छा निकल गया। तो एक बहुत ही एक मैं मेरा ऐसा मानना है कि 2050 की जगह पर एक आइडियल घर बन के रेडी हो गया सबकी सोच समझ से। तो आप लोग देखिए, बस घर रेडी हो रहा है और आप लोग देखिए और ब्लेसिंग्स दीजिए हमें। Thank you.
Finally, the day has come to me when our house become ready. तो ये देखिए हमारा घर बन के रेडी हो चुका है और अब मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगी कि मेरा घर किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो ये एंट्रेंस है और यहाँ पे पोर्च है और ये है हमारा ड्राइंग रूम। अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि किस तरीके से हमने नक्शा रखा है घर का। और साथ ही साथ मैंने किचन में भी वुडन वर्क भी स्टार्ट करा दिया था मॉड्यूलर किचन का, क्योंकि डॉक्टर साहब का मन था कि मेरी जो किचन है वो मॉड्यूलर हो। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही मॉड्यूलर किचन बनवा लेती हूँ। पापा जी ने जब घर बनवा के इतना करवा के दे दिया है तो मॉड्यूलर किचन वगैरह का काम मैं देख लेती हूँ। तो वो सब आपको आगे की वीडियोज़ में देखने को मिलेगा, घर को कैसे है मैंने डेकोरेट किया है। घर डेकोरेट करके फिर मैं आपको अलग से दिखाऊँगी। और अभी आपको मैं छत का व्यू भी दिखा देती हूँ। छत में भी टाइल्स वगैरह सब कंप्लीट लग चुकी हैं। तो इस तरीके का व्यू है कुछ। तो ये फ्रंट लुक आप देख सकते हैं हमारे घर का। और आई एम ट्रूली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना रहा, आगे भी बना रहे, यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।